वहाँ पे स्लैब वगैरह पड़ चुके हैं, वहाँ पे कंक्रीट वगैरह पड़ चुका है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम एंड पॉइंट पे, ये देख सकते हैं यहाँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बनिहाल और आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनिहाल फ्लाईओवर की। यहाँ से शुरू होता है बनिहाल फ्लाईओवर, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करते, जितने भी भाई फेसबुक पे देख रहे हैं यूट्यूब वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आता है फ्लाईओवर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा काम। यहाँ पे अभी फाउंडेशन पिलर अभी अभी रखे गए हैं। ये है बनिहाल बाईपास, जो फ्लाईओवर बनिहाल का ब्रिज जो बनिहाल की मार्केट को बाईपास करेगा वो रहने वाला है। तो यहाँ पे मेरे को देख के थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि यहाँ से अभी देख के लग रहा है इसका बहुत ज़्यादा अभी काम बाकी है। तब मेरे को लगा था जब मैं इस बार आऊँगा तो कितना ज़्यादा काम हो गया होगा, बट यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इस वाली साइड में अभी काम शुरू ही हुआ है। ये फाउंडेशन पिलर अभी अभी रखे गए और कुछ फाउंडेशन पिलर अभी रखे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, तो चलेंगे अभी और भी आगे, और आगे देखिए चल के देंगे और भी अपडेट्स। यहाँ से शुरू होगा, मैं आपको दिखा दूंगा इसका एंड पॉइंट भी दिखा दूंगा, बीच वाले पोर्शन में कितना काम हुआ है वो भी हम आपको दिखा देंगे। बाकी ये अपनी खड़ी है, चलते हैं गाइस आगे और आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप बनिहाल बाईपास फ्लाईओवर की तस्वीर है, ये देख सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम जब आए थे उधर से अब का कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। मेरे को लगा था कंप्लीट होने वाला होगा, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है यार। तो अभी इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि 5-6 महीने लग जाएंगे अभी, यानी कि नेक्स्ट अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार हो गए। वैसे इसका ना काम तेज़ी से होना चाहिए था, काम तेज़ी से इसलिए होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं है, ऐसे काम करते कोई दिक्कत नहीं आती है हाईवे अंदर से। तो इसका ना काम थोड़ा जल्दी स्पीड में होना चाहिए था। ये देख सकते हैं गाइस, ये जाने वाला है फ्लाईओवर। तो गाइज ये सामने आ जाता है बनिहाल फ्लाईओवर। रास्ता अपने पता है, खाली प्रॉपर व्यू के लिए मैं जा रहा हूँ आगे आगे, जहाँ से मैं कवर कर सकूँ, जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट और मिड पॉइंट दिख जाए, इसलिए वो आगे जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलते हैं आगे कुछ मीटर्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा, वहाँ पे है स्टार्टिंग पॉइंट इस फ्लाईओवर का, जो बनिहाल बाईपास है वो ऊपर वाली साइड में पूरी बनिहाल की मार्केट आ जाती है। तो फ्लाईओवर जो है ना वहाँ से स्टार्ट होने वाला है बहुत सामने से, और वहाँ पे जो है फाउंडेशन पिलर वगैरह रख दिए गए हैं, गार्डर्स वगैरह रखे जा रहे हैं, लिफ्ट करके रखे जा रहे हैं। वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे गार्डर्स वगैरह भी रख दिए गए हैं, और यहाँ पे मिट्टी से इसकी लेवल में कर दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो बीच वाले पोर्शन में थोड़ा सा काम हुआ है, स्टार्टिंग वाले पोर्शन में काम हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लेवल में, और यहाँ पर थोड़ा सा इसके आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर अभी बीच वाली जगह पर काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, और इसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे जाएंगे ये बीच वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, यहाँ पे अभी फ्लाईओवर का काफ़ी ज़्यादा काम बाकी, वो वाला एंड आ जाता है। वो वाले एंड पे देख सकते हैं, वहाँ पे स्लैब वगैरह पड़ चुके हैं, वहाँ पर कंक्रीट वगैरह पड़ चुका है उस वाले एंड पर, और इस वाले बीच वाले पोर्शन में थोड़ा सा काम रहता है। यहाँ पर मिट्टी वगैरह डाल के डंपिंग वगैरह करके इसकी लेवल में कर रहे हैं, यहाँ पे फाउंडेशन पिलर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देख सकते हैं गार्डर्स मिट्टी के ऊपर ही रख दिए गए।
यहाँ पे लोहे वाले गार्डर्स भी तैयार हैं, तो इस इतने पोर्शन में अभी काफ़ी काम बाकी है। उसके बाद बीच वाला पोर्शन आता है, उस पर देख सकते हैं कंक्रीट वगैरह पड़ चुका है, स्लैब वगैरह पड़ चुके हैं। उसके बाद कुछ एक फाउंडेशन पिलर के बीच में वहाँ पे गार्डर्स लोहे वाले लिफ्ट करके रख दिए गए हैं। उसके बाद फिर थोड़ा आगे चल के ना फिर से स्लैब वगैरह कंक्रीट वगैरह पड़ चुका है, बीच में थोड़ा गैप है, उसके बाद फिर कंक्रीट स्लैब वगैरह पड़ चुका है। अब वहाँ से जाके हम दूसरे वाले एंड पे चलेंगे और वहाँ जाके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी आपको शायद से ये समझ आ गई होगी। तो मैंने बेस्ट एंगल देने की कोशिश की है जहाँ से आपको समझ आ जाए ये पूरा बनिहाल फ्लाईओवर बनिहाल बाईपास का पोर्शन। तो अभी अब दूसरे वाले एंड पे जाके समझाने की कोशिश करूँगा। लास्ट टाइम जब मैं आया तब मैं नीचे पूरा ग्राउंड पे था, ग्राउंड से समझाने की कोशिश की थी, इस बार मैंने पूरा ऊपर से समझाने की कोशिश की है। तो दूसरे वाले एंड पॉइंट पे चलते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना, अब दूसरा वाला पॉइंट दिखाता हूँ वहाँ पे कितना काम हुआ, वहाँ पे कितना काम बाकी है। तो गाइस चलते हैं। आप इस वाले रोड पे आए थे प्रॉपर व्यू के लिए, वो है, वो जा रहा है फ्लाईओवर साथ साथ में जा रहा है नाले नाले में से। तो अब चलते हैं इसके एंड पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट और बीच वाला पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, तो एंड पॉइंट पे अब चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या अपडेट है। पीछे से समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक स्लैब पड़ चुके हैं, फिर बीच में ये वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पर गैप है, और उसके बाद फिर से आगे यहाँ पर गार्डस वगैरह रख दिए गए, और उसके आगे वाले एरिया में भी स्लैब पड़ चुका है। यही मैं आपको पीछे से समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देख सकते हैं हम जा रहे हैं साथ साथ में, ये देख सकते हैं ये वाले फाउंडेशन पिलर ना, ये भी कुछ टाइम पहले ही रखे गए हैं, और इनको छोड़ के आगे की बात कर लें, यहाँ इस पोर्शन में और यहाँ बीच वाले पोर्शन में भी काम बाकी है, उसके बाद आगे वाले पोर्शन में काम हो रहा है, वो मैं सीधा आपको दूसरे वाले एंड पॉइंट के पास दिखाता हूँ। ये वाला पोर्शन जो है ना अभी यहाँ पर फाउंडेशन पिलर रखना बाकी है, तो इस वाली जगहों पर तो अभी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, मिनिमम 6 महीने और उससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। ये देख सकते हैं उसके बाद ये रखे गए हैं फाउंडेशन पिलर्स, ये देख सकते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है इसी फ्लाईओवर का एंड पॉइंट, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में दिखाएंगे। ये देख सकते हैं तो गाइज ये आ जाता है फ्लाईओवर का एंड पॉइंट, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी स्लैब वगैरह पड़ चुके हैं, कंक्रीट वगैरह पड़ चुकी है, और यहाँ से आपको सामने में दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से काजी कुंड जो है ना 17 किलोमीटर है, पहलगाम 83 किलोमीटर है, और श्रीनगर शायद से 89 किलोमीटर है, ये देख सकते हैं। तो ये आ जाता है इसका एंड पॉइंट, तो ये बाईपास करने वाला पूरी बनिहाल की मार्केट को। तो अभी तो ऊपर वहाँ ऊपर जाएंगे, वहाँ ऊपर से देखते हैं कैसा दिखता है, कितना काम हुआ है, वहाँ ऊपर चलते हैं गाइस। कि ये देख सकते हैं इसका दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, और आगे जाके फिर 4 लेन रोड से जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम एंड पॉइंट पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे बीच में अभी डंपिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पे काम हो रहा है, ये देख सकते हैं हमने पूरा कवर किया, वहाँ ऊपर से भी व्यू दिया, यहाँ से भी व्यू दिया। तो उम्मीद है कि आपको बनिहाल बाईपास की वीडियो पसंद आ रही होगी, और ये आ जाता है 4 लेन का रोड, ये देख सकते हैं इस यहाँ से। अब आपको पूरी समझ आ जाएगी, मैं आपको यहाँ से पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ से अब करते हैं हम स्विच दूसरे वाले कैमरा पे, तो ये देख सकते हैं ये आ जाता है 4 लेन, यहाँ पे भी ब्रिज सा है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्लाईओवर जो बनिहाल बाईपास है ना वो यहाँ से शुरू है, समझ रहे हैं आप, यहाँ से शुरू है, और वहाँ पे बीच वाले पोर्शन में काम हुआ है, फिर बीच में बाकी है, फिर थोड़ा हुआ है, फिर बाकी है, बस इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, बाकी इस वाले पोर्शन में भी अभी काम बाकी है, ये देख सकते हैं।
उसके बाद क्या होगा जब ये रेडी हो जाएगा ना, जो फोर लेन वाली श्रीनगर वाली व्हीकल्स हैं वो इससे होते हुए, इससे होते हुए, इससे होते हुए इस रोड से जाके मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं, ये जम्मू श्रीनगर हाईवे आ जाता है फोर लेन। तो यहाँ से आपको, यहाँ से आगे श्रीनगर तक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोड है, ये देख सकते हैं। तो ये इस रोड के साथ ये सीधा कनेक्ट करेगा। तो ये सीधा इस फोर लेन से जाके बाद में बाईपास मिल जाएगा जब कंप्लीट होगा। अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बनिहाल बाईपास वाली पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। काफ़ी निराश हूँ मैं, डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था काफ़ी अच्छा काम हो गया होगा, मेरे को लगा था ये सब कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि रामन फ्लाईओवर का तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। बट काफ़ी देख के दुख हुआ कि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मंथ्स लगने वाले हैं, 6 मंथ समझो। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगली अमरनाथ यात्रा शुरू होगी ना, उससे पहले इसको रेडी करेंगे, तब तक इसका काम चलते ही रहेगा। बाकी ये देख सकते हैं, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।